एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणेश चतुर्थी आ रही है और गणपति बापा के फेवरेट मोदक ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं आपके लिए कोकोनट मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत टेस्टी बनते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हमें लेना है 1 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अभी इसको रोस्ट करना है एकदम लो फ्लेम पे। ध्यान रखिए, अगर आप फ्लेम मीडियम भी रखेंगे तो वो ब्राउन होना चालू हो जाएगा और हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। एक आध मिनट उसको रोस्ट करके हो जाने के बाद अभी इसमें डालना है 1/4 कप मिल्क पाउडर। अभी इनको भी लो फ्लेम पे लेना है अच्छे से। चलिए ये भी हो गया। अभी इसमें डालना है 1/2 कप मिल्क, जो कि रूम टेम्परेचर मिल्क होना चाहिए। डालेंगे 1/4 कप शक्कर, आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है। चलिए भी अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेना है। अभी जैसे ही शक्कर मेल्ट होगी, हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा और लिक्विडी होगा, तो अभी हमें फ्लेम मीडियम करनी है और इसे सुखाना है। इसका जो पानी है, जो हमने दूध भी डाला है और शक्कर का भी जो पानी हो रहा है, तो उसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। इसमें करीबन 7 से 10 मिनट आपको लग सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से ड्राई हो गया, इसके अंदर का पानी जो भी था मॉइस्चर वो उड़ गया है। तो अभी इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे अभी ठंडा होने देना है। चलिए हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अभी मोदक बनाते हैं। बहुत सिंपल है, ये मोल्ड मेरे पास है मोदक का, जो मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको। तो इसमें अभी थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हमारे मिक्सचर का और मोल्ड में डाल देंगे। अभी आप ये मिक्सचर मोल्ड में डाल रहे हैं तो इसे प्रेस करना है अच्छे से, सो दैट वो एंड तक पहुंचे। प्रॉपरली इसे प्रेस कीजिए। देखिए कितना सुंदर मोदक बनके तैयार है, इतना इजीली इसे आराम से हल्के हाथ से निकाल लेंगे। देखिए, और हमारा मोदक तैयार है। इसी तरीके से बाकी मोदक भी बना लेंगे। भी आप मोदक को मोल्ड से निकाल रहे हैं तो नीचे के साइड में पकड़ के उसे बाहर निकालिए, सो दैट वो जो शेप है वो खराब ना हो। देखिए हमारे सारे मोदक तैयार है। ये क्वांटिटी से करीबन 8 मोदक बनते हैं। अभी फाइनल स्टेप ये ऑप्शनल है, बट ये बहुत ही सुंदर उसको लुक देता है एक, कि हम साइड से थोड़ा सा इसको कोट कर लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट में। आप जरूर ट्राई कीजिए ये गणेश चतुर्थी ये रेसिपी को, बहुत टेस्टी बनती है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो _foodtrail पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल।